My precious friend, मेरे प्यारे मित्रों, today the Lord told me that He is going to pour His blessings upon you. आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो आपके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलने जा रहा है. In Numbers chapter 6 and verse 23 and 24, गिनती 6, 23 और 24 में ऐसा लिखा है. When God looked at the people of Israel. जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को देखा, He saw them, they were a multitude. और उसने देखा कि ये बड़ी भीड़ इनकी है. He saw that they were a multitude. परमेश्वर ने देखा कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. And he was moved over every one of them. और फिर उन्हें देखकर परमेश्वर की दया हर एक के ऊपर आई. And he called Moses. और तब उसने मूसा को बुलाया. And he said, Moses. और कहा, मूसा, I want you to write down this blessing which should be pronounced upon all these my people. मैं चाहता हूं कि तू उन आशीषों को लिख ले जो मैं अपने लोगों के लिए कहने पर हूं, बोलने पर हूं. Aaron should pronounce this blessing upon my people every time he comes into my presence. और हारून जो है वो मेरे लोगों पर हर समय जब कभी वो मेरी उपस्थिति में आएगा मेरे लोगों के लिए ये आशीष बोल कर बताएगा. Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों. The heart of God is to pronounce a blessing upon every one of His children. परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो अपनी हर एक संतानों पर अपनी आशीषों को घोषित करे, कह के बताए. More than you are anxious to receive your miracle. जितनी ज्यादा चाहत आप अपने चमत्कार के पाने के प्रति आपके अंदर है, Jesus is anxious to pronounce his miracles and blessings upon you. उससे कहीं बढ़कर यीशु मसीह तैयार है अपनी आशीषें और अपने चमत्कार को आप पर देने के लिए. In Numbers 6:24, और गिनती की पुस्तक उसके छठवें अध्याय के 24वें वचन में Moses, परमेश्वर ने कहा, मूसा, प्रोनाउंस दिस अपॉन माय पीपल, और ये आशीषों के द्वारा तू मेरे लोगों को आशीर्वादित कर. द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. एंड कीप यू ब्लेस्ड, और तुम्हें आशीष में बनाए रखे. द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे. दैट इज द ब्लेसिंग गॉड इज गोइंग टू पुट अपॉन ऑल ऑफ अस टुनाइट. आज की रात यही वो आशीष है जो परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन पर डालने पर है. मेनी इयर्स अगो, कई साल पहले, एज द फेरोस द किंग ऑफ द इजिप्शियंस वुड डाई, और फिरौन जो मिस्र का राजा था वो मरा, they would be mummified. तो उसके मरने के बाद उसकी लाश को वो सुखा देते थे. Or their bodies would be embalmed so that the bodies would be preserved and it would not rot away. ऐसा होता था उस समय कि राजा के मरने पर उसके मरे हुए शरीर में मसाले डालकर उसे सुखा दिया जाता था ताकि उसकी याद कम ना हो, वो हमेशा उस रूप में रहे. After doing the embalming. और इस तरह से उसका जो है शरीर सुखा देने के बाद, before the burial. उसको गाढ़ने से पहले, they would take both the arms of the king who is dead. तो वे ऐसा किया करते थे कि मरे हुए राजा के जो दोनों हाथ होते थे वो इस तरह से रखते थे, and put it upon their chest. और वो दोनों हाथ राजा की छाती पर रखते थे, put it upon his chest. और उस राजा की अपनी छाती पर रख देते थे, and cover the chest. और उसके छाती को ढांक देते थे, and then only bury them in that fashion. और इसी रीति से इसी में उसको गाड़ दिया करते थे. You know why they would put their both their hands upon their chest? क्या आपको पता है मरे हुए राजा के हाथ उनके उसकी छाती पर रखकर उसे क्यों गाड़ते थे? It is because of the fear of those kings. और ये तो राजाओं के भय या डर की वजह से होता था. Those kings would have been mighty rulers when they were ruling. क्योंकि जब वो जिंदा थे, राज करते थे, तो ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि बहुत ही शूरवीर होते थे या बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे. But after their death, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात, everybody would put my dead body in the grave and go away. और हर एक व्यक्ति जो है वो मेरे मरे हुए शरीर को कब्र में डाल देगा और अपनी अपनी रास्ते चला जाएगा. I'd be all alone. और मैं बिल्कुल अकेला यहाँ रहूंगा. At that time, और उस समय Satan, the evil power, will come and steal my soul and take it away. और वो ऐसा मानते थे कि फिर शैतान या दुष्ट आत्माएं जो हैं
वो आएंगी और मेरे प्राणों को चुरा ले जाएंगी. So I'm afraid. और इसलिए मैं डरा हुआ हूँ. So that Satan will not take over my soul or take away my soul. Cover my chest and bury me like that. और इसीलिए ताकि शैतान या दुष्ट आत्माएं मेरे प्राणों को चुरा न सकें या उस पर कब्जा न कर सकें, इसलिए मेरे हाथों को इस तरह से मेरी छाती पर रख कर मुझे गाड़ देना. Let my soul be protected with my hands. और राजा ऐसा कहा करते थे कि होने दो मेरे मरने के पश्चात मेरे हाथ मेरे प्राणों की रक्षा करें. So that the devil will not steal my soul. ताकि शैतान या दुष्ट आत्माएं मेरे प्राणों को चुरा न सकें. Is it possible? अब क्या ये संभव है? Whether you put your hand on your chest or not, the devil can still steal one soul. सच्चाई तो ये है कि भले आप अपना हाथ अपनी छाती पर रखें या नहीं रखें, शैतान फिर भी किसी के प्राणों को चुरा सकता है. They were afraid that their blessings will be taken away. वो डरा करते थे कि कहीं उनकी आशीषें उनसे चुरा न ली जाएं. They were afraid that their soul would be taken away. और उनको डर रहता था कि मरने के पश्चात उनके प्राण भी जो है कोई ले जाएगा. But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, My children, मेरे बच्चों, I want to bless you. मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ. And keep you blessed always. और हमेशा तुम्हें आशीषों में बनाए रखना चाहता हूँ. Keep you blessed in this world. और अगर तुम इस संसार में आशीषित होगे, and keep you blessed after you die also in heaven. तो मैं मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग में तुम्हें आशीष में ही बनाए रखूंगा. That is the love of God. और ये है परमेश्वर का प्यार. No devil can steal you away. कोई भी शैतान आपको किसी तरीके से चुरा नहीं सकता. No devil can steal your blessings in this world. इस संसार में कोई शैतान आपकी आशीषों को चुरा नहीं सकता. No devil can steal you away from God. और कोई भी शैतान आपको परमेश्वर से चुरा नहीं सकता. This is the blessing which God gives. और ये वो आशीष है जो परमेश्वर देता है. This is the difference between the blessing of the world. और the blessing of God. और यही अंतर है उन आशीषों में जो संसार की ओर से आती हैं, परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीषों में यह अंतर है. The blessing which God gives can never be taken away from you in this world, nor when you die. जो आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं, इस संसार में वो आशीषों को आपसे कोई चुरा नहीं सकता. मृत्यु के पश्चात भी वो आशीषें आपके साथ बनी रहेंगी. In Psalm 121 and verse 7. और भजन संहिता 121 और सातवें पद में. The Bible says the Lord will preserve your soul. बाइबल कहती है परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा. God himself will preserve your soul. परमेश्वर स्वयं आपके प्राणों की रक्षा करेगा. When he blesses your soul. और जब वो आपके प्राणों को आशीषित करता है. You are blessed in all things. तो आप सारी बातों में आशीष पाएंगे. That's why Jesus says, my child. यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे. I'm standing at the door of your heart and I am knocking. और मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ. Open your heart. अपना हृदय तू खोल. And say, Jesus, come into my heart. और तू ये कह कि यीशु मसीह तू मेरे हृदय में आ जा. Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा. I want God in my heart. मैं परमेश्वर को अपने हृदय में पाना चाहता हूँ. Come in. तू अंदर आ जा. All that you have to say is, come into my heart, Lord Jesus. बस आपको केवल इतना ही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे हृदय में आ जा. I will come into your soul. और फिर परमेश्वर कहता है मैं तेरे प्राणों में आऊंगा. Preserve your soul. और तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा. Fill it with blessings. आशीषों से उसे भर दूंगा. And the blessings will remain with you forever. As long as I live, your blessings will live. और वो आशीषें तुम्हारे पास हमेशा बनी रहेंगी. परमेश्वर कहता है जब तक मैं हूँ वो आशीषें तुम्हारे साथ रहेंगी. Deuteronomy 32:40 says. और व्यवस्था विवरण 32:40 कहता है. God lives forever. परमेश्वर अनंत काल तक जीवित रहेगा. Revelation 1:18 says. प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है. Jesus said I was dead. यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं मर गया था. But I am alive evermore. लेकिन अब मैं सदा के लिए जीवित हूँ. As long as I live. और जब तक मैं हूँ. You will live also. तब तक तुम भी जियोगे. My child, you will live. मेरे बच्चों तुम जियोगे. My daughter, you will live. मेरी बेटी तुम जियोगी. My son, you will live. मेरे बेटे तुम जियोगे. No devil can steal your soul. कोई शैतान तुम्हारे प्राणों को चुरा नहीं सकेगा. As I live in your soul. और जैसे मैं तुम्हारे प्राणों में रहूंगा. How many of you want Jesus to come and live in your soul tonight? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज की रात को चाहते हैं कि यीशु मसीह आकर आपके प्राणों में रहे. He's coming in right
और वो अंदर आपके आ रहा है इसी समय, इसी समय, इसी समय, wherever you are, आप जहां कहीं भी है, he is blessing you. वो आपको आशीष दे रहा है. Say Jesus, और कहें यीशु, come into my heart, मेरे हृदय में आ जा, come into my heart, मेरे हृदय में आ जा, come into my soul, मेरे प्राणों में आ जा. I need you, Jesus. यीशु मुझे तेरी जरूरत है. Amen. 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 I see the name of a man called Amos in this ground. और मैं देख रहा हूँ इस मैदान में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एमोस. The evil powers have taken hold of you, Amos. एमोस, दुष्टात्माओं ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है. Amos. Amos. God's hand is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है. You have done enough evil. आपने बहुत सी बुराइयां की. Now turn to Jesus. अब आप यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं. Turn to Jesus. यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं. He will make you a mighty vessel of honor. और वो आपको एक आदर का महान पात्र बनाएगा. Return everything that you have taken unjustly. और जो कुछ आपने गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लिया है, छीना है, लोगों को वापस लौटा दें. Get right with God. परमेश्वर से अपना संबंध सही कर लें. Right with the people. और लोगों से अपने संबंध को सही कर लें. God wants to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है. Amos, Amos, come to the platform. मंच के पास दौड़े चले आएं. I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा. God's healing power will flow into your body. और परमेश्वर के चंगाई की सामर्थ्य आपके शरीर में बहेगी. You will also become a very honorable man. और आप भी बड़े आदरणीय व्यक्ति बन जाएंगे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. The glory of God is amongst us. परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है. He is here. वो यहाँ है. The Lord is with us. प्रभु हमारे साथ है. Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो. God is a God of blessing. परमेश्वर जो है वो आशीषों का परमेश्वर है. But why he blesses us? लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों हमें आशीष देता है? Why should he bless us? क्यों वो हमें आशीष देता है? The Bible says. बाइबल कहती है. In Deuteronomy 7 and verse 13. और व्यवस्था विवरण 7 और उसका 13वां वचन. He will love you. कि वो आपसे प्यार करेगा. He will love you. वो आपसे प्यार करेगा. He will love you. वो आपसे प्यार करेगा. And he will bless you. और वो आपको आशीष देगा. And he will increase you. और वो आपको बढ़ाएगा. When Jesus was in this world. जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे. If you read Mark chapter 10 and verse 16. यदि आप मरकुस उसका 10वां अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे. When the little children came to Jesus. जब छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास आए. He took each one of them in his arms. तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बच्चे को अपनी गोद में लिया. He embraced them. और उन्हें गले लगाया. He embraced them. और उसने उन्हें गले लगाया. He squeezed them with great love. और बड़े प्रेम से अपने से चिपका लिया. And he blessed them. और उन्हें आशीष दी. He blessed them. उन्हें आशीष दी. Because of his love. उसके प्रेम की वजह से. Because of his great love for children. और क्योंकि उसके अंदर बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्यार था. Every time he saw the multitudes. और जब कभी वो बड़ी भीड़ को देखता था. In Matthew 9 and verse 35 and 36. मत्ती 9 उसके 35 और 36वें वचन में. The Bible says Jesus was moved with compassion when he saw the multitudes of people. बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने उस बड़ी भारी भीड़ को देखा तो उन्हें देखकर वो तरस से भर गया. And in Mark 6:34. और मरकुस 6:34 में. Moved with compassion, he spoke to them words of grace. और तरस से भरकर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से अनुग्रह की बातें की. Words of love. प्रेम की बातें कही. Words of compassion. सांत्वना, तरस की बातें कही. He said, they are like sheep without a shepherd. उसने कहा ये वो लोग हैं, ये ऐसी भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो. Nobody to take care of them. कोई नहीं है जो इनकी चिंता करे, इन्हें संभाले. Nobody to love them. कोई नहीं है जो इनसे प्यार करे. Nobody to fight for them. कोई नहीं है जो इनकी ओर से लड़े. Where will they go? ये कहां जाएंगे? And he loved them. और उसने उन्हें प्यार किया. He would have embraced them. और वो उन्हें गले लगा लेता. And spoke words of love.
और प्रेम की बातें उनसे कही. When the people came to stone them saying you are a sinner, you are an adulteress. और जब लोग आते उन्हें पत्थर मारने के लिए कहकर कि तुम पापी हो, तुम व्यभिचारी हो. When they were saying he's a tax collector stealing money, don't go to his house. और जब लोग कहते थे यीशु मसीह से कि देखो वो चुंगी लेने वाला वो है व्यक्ति है, वो गलत तरीके से पैसा कमाता है, इसके घर में तू ना जा. Jesus spoke words of comfort. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिलासा देने वाली बातें कही. He said, daughter, उसने कहा बेटी, I will not condemn you. मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता. Don't sin anymore. जा और आगे को पाप नहीं करना. I'm sucking that nature of sin out of you. और मैं तेरे अंदर जो पाप का स्वभाव है उसे खींच कर बाहर निकाल देता हूँ. और तू शांति से चली जा, तू शांति से चली जा. He looked at another woman. और फिर तब यीशु मसीह ने एक और स्त्री को देखा. You lived with five husbands. और उसने कहा कि तू पांच पति कर चुकी है. But the one with whom you're living is not yours. लेकिन जो जिसके साथ अब तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है. Is not your husband. वो तेरा पति नहीं है. And she said, you're a prophet. तो उस स्त्री ने कहा अरे तू तो नबी है. He never condemned. प्रभु यीशु मसीह ने कभी किस पर दोष नहीं लगाया. The people. लेकिन उसने लोगों से प्यार किया. He said, daughter, let me give you the living water to live in this world. यीशु ने कहा मेरी बेटी मैं तुझे जीवन का जल देता हूं ताकि तू इस संसार में जी सके. You have lusted enough. तूने बहुत ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है. Family life had been broken again and again. और तेरी पारिवारिक जिंदगी तो बार बार टूट चुकी है. Now I want you to live. लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू जिए. Enjoy a sweet holy family life. और मैं चाहता हूं कि तू आगे को अपने मीठे पारिवारिक जीवन का आनंद ले. He looked at the man about whom they said, "Don't go to his house. He's a wicked man." और उसने उस मनुष्य को देखा जिसके बारे में लोगों ने कहा कि तू इसके घर पे मत जाना, ये दुष्ट और बुरा आदमी है. He said, "Zacchaeus." यीशु ने कहा जकाई, come down. छट नीचे उतरा. I want to come to your house. मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ. I want to come to your house. मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ. And the man was transformed. और वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया. He began to speak in new tongues. और वो नई भाषा में बोलने लगा. Out of that love of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम की वजह से. His whole life changed in a moment. एक ही क्षण में उसकी सारी जिंदगी बदल गई. Until then he was saying, "Give me money, give me money." इससे पहले तक तो वो कहता था, मुझे पैसा दो, पैसा दो. But when the love of Jesus came to him. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का प्यार उसकी जिंदगी में आया, he began to speak in new tongues. तब उसकी बोली बोलने का तरीका बदल गया. Giving away money, I'm giving away money. वो कहने लगा अब मैं मेरा पैसा दे दूंगा, मेरा पैसा बांट दूंगा. Half his wealth he gave away to the poor. अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उसने गरीबों में बांट दिया. Said, four times I'm giving back to those from whom I'm taken money unjustly. और उसने कहा कि यदि मैंने किसी का अन्याय से पैसा लिया है तो उसका चार गुना मैं वापस लौटा दूंगा. That's the love of Jesus. ये है यीशु मसीह का प्यार. Today you may say you are the worst sinner in the world. और आज ऐसा हो सकता है आप अपने बारे में कहते होंगे कि संसार में सबसे ज्यादा पापी आप हैं. But Jesus will love you tonight. लेकिन bless you. ऐसी भी दशा में यीशु मसीह आज की रात आपसे प्यार करेगा, आपको आशीष देगा. Every sin will just dissolve and go with his love. और उसके प्रेम की वजह से आपके जीवन का हर जो पाप है वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा. He did it in the Bible. और ऐसा उसने बाइबल में किया. He will do it for you. और वो ऐसा ही आज भी करेगा. And when he saw the leper, और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक कुष्ठ रोगी को देखा, वो पुकार रहा था, I am not able to go home. कि मैं घर नहीं जा सकता. I am in shame. मैं बड़ी लज्जा में पड़ा हुआ हूं. I am away from my family. मैं मेरे परिवार से दूर हूं. I have to live in the wilderness. मुझे जो है मैदानों में रहना पड़ता है. Cursed and condemned. मैं श्रापित हूं, दोष लगाया हुआ व्यक्ति हूं. Because of my disease. और उसकी वजह ये मेरी बीमारी है जो मेरे शरीर में है. In Mark 1:41. मरकुस पहला अध्याय 41वां वचन. Jesus said, "Come to me." यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ. He laid hands upon the leper. और यीशु मसीह ने उस कोढ़ी पर अपना हाथ रखा. And was moved with compassion. और यीशु मसीह उसे देखकर तरस से भर गए. And he said, "Be clean." और यीशु मसीह ने कहा कि तू शुद्ध हो जा. Be clean of your leprosy. और तू अपने कोढ़ से शुद्ध हो जा. And the man was healed. और उसी समय वो व्यक्ति चंगा हो गया. Yes, he loves those who are sick. हाँ, जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्यार करते हैं. And his compassion heals.
और उनका तरस उन लोगों को वो चंगाई देता है. उसका तरस उन्हें चंगाई देता है. In Matthew 20 and verse 34. मत्ती 20 और 34 में वचन में. When the blind man came crying. जब वो अंधा व्यक्ति पुकारता हुआ आया. Jesus was moved with compassion. उसे देखकर यीशु मसीह तरस से भर गए. He touched their eyes. और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ. And their eyes came back to life. और फिर वो देखने लगा. Tonight he will do it for you. और ऐसा ही वो आज की रात आपके लिए भी करेगा. No man can heal you. कोई व्यक्ति आपको चंगाई नहीं देगा. No, Paul Dinakaran or anybody cannot heal you. Paul Dinakaran या कोई भी व्यक्ति आपको चंगाई नहीं देगा. It's only Jesus who gave his life for you on the cross. ये केवल वो यीशु जिसने आपके लिए अपनी जान उस क्रूस पर दी. Who loves you. जो आपसे प्यार करता है. Who is by your side. वही आपके बगल में है. He loves you. वो आपसे प्यार करता है. Who bore all the sickness on his body. वो जिसने आज सारी बीमारियां अपने शरीर पर उठा ली. He will touch you by his stripes. और वही कोड़े खाए जाने से आपको छुएगा. And he will heal you with his love. और अपने प्रेम से वो आपको चंगाई देगा. Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो. In Luke chapter 7 and verse 13. लूका सातवां अध्याय 13वां वचन. And John 11:35. और यूहन्ना 11:35. When Jesus saw the people who lost their loved ones to death. और जब यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को देखा जिनका अपना प्रिय जन मर चुका है, मर गया. He was moved with compassion. उन्हें देखकर यीशु मसीह तरस से भर गए. And he raised the dead. और यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिंदा कर दिया. He cried with them. और वो रोने वालों के साथ रोया. And said, "Don't cry." और उनसे कहा मत रो. And raised them from the dead. और मरे हुए को जिंदा कर दिया. He can raise the dead because of his compassion. Can he not raise your life too? और जिसने अपने तरस की वजह से मरे हुओं को जिंदा किया, तो क्या वो आज की रात आपकी जिंदगियों को नहीं उठा के खड़ा कर सकता? When the people were hungry. जब लोग भूखे थे. In Matthew 15:32. और मत्ती 15वां अध्याय 32वें वचन में. Matthew 14:14. और मत्ती 14:14 में. Jesus was moved with compassion. यीशु मसीह तरस से भर गए. And he multiplied the bread and fed them. और उन्होंने रोटी को बढ़ा दिया और सभी को खिला दिया. The same Jesus is here. वही यीशु मसीह यहाँ है. Full of love for you. आपके प्रति वो पूरे प्यार से भरा हुआ है. Full of love. पूरा प्यार से भरा हुआ he है. Is by your side. वो बिल्कुल आपकी बगल में है. You may say your problem is very great. आप कहते होंगे कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है. Maybe the doctors have said you have come to the fourth stage of cancer. और हो सकता है डॉक्टरों ने ये कहा होगा कि तुम्हारे शरीर में जो कैंसर है वो चौथी स्टेज पे पहुंच चुका है. You may say my cancer is very great. और आप कहते होंगे कि मेरे शरीर में जो कैंसर है बहुत बड़ा है. You may say my sin is very great. या आप ये कहते होंगे कि मेरा पाप बहुत बड़ा है. You may say the condemnation that has come, the orders that have come against me will finish me off. और आप ये कहते होंगे कि मुझ पर जो दोष लगाया गया है और उसकी वजह से जो न्याय की आज्ञा आई है उससे मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा. You may say my family problem is very great. We are going to break, brother. हो सकता है आप ये कहते होंगे कि भाई मेरे पारिवारिक समस्या बहुत बड़ी है, हमारा परिवार अब टूट ही जाएगा. Your problem may be very great. आपकी समस्या हो सकता है बहुत बड़ी हो. But the love of Jesus Christ is greater than that problem. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपकी उस बड़ी समस्या से भी कई गुना बड़ा है. It can break any problem. और वो आपकी समस्या कैसी भी समस्या क्यों ना हो तोड़ सकता है. And every problem. किस कैसी भी समस्या क्यों ना हो. He says, I will love you. वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा. I will increase. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा. Let not your heart be troubled. और इसीलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. In Deuteronomy 33:3. व्यवस्था विवरण 33:3 में कहता है. Moses who walked with God so closely says, I know truly God loves his people. और मूसा जो बिल्कुल परमेश्वर के साथ चलता था उसने कहा कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है. माय फ्रेंड, मेरे मित्रों, नॉट ओनली डज ही लव यू जस्ट टू गिव मिरेकल्स एंड गो एंड सिट ऑन हिज थ्रोन. केवल इसलिए वो आपसे प्यार नहीं करता कि वो आपको चमत्कार देकर चला जाए और वापस जाकर अपने सिंहासन पे बैठ जाए. He said, I'm not going to do that. और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा. I'm going to sacrifice myself and show my love for my people.
और वो कहता है कि मैं स्वयं का त्याग करूंगा और मैं अपने लोगों को अपना प्रेम दिखाऊंगा. He is not just a God who shows his power doing miracles. और क्या वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपनी सामर्थ को लोगों के जीवन में चमत्कार करने के द्वारा दिखाता है? But he is a God who sacrificed himself for every one of us to show his love for us. लेकिन वो ऐसा भी परमेश्वर है जिसने अपने आप का त्याग और बलिदान किया हम में से हर एक को अपना प्रेम दिखाने के लिए. You may receive blessings. आप आशीषों को पा सकते हैं. But you have to keep the blessings. लेकिन आपको उन आशीषों को बनाए रखना है. When you seek God just for the blessings, यदि आप परमेश्वर को केवल आशीषें पाने के लिए ही चाहते हैं, खोजते हैं, He will bless you. वो आपको आशीष देगा. He will answer your prayers. वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा. But He made a way for you to keep those blessings. Permanently. लेकिन उसने एक रास्ता भी बना रखा है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आशीषों को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें. For us to keep ourselves blessed all the time, God said, I will not only show my power, but I will sacrifice myself and make a permanent way for my people to receive blessings forever and be blessed forever. और परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को केवल मैं आशीष ही नहीं दूंगा, लेकिन उन आशीषों को हमेशा हमेशा वो अपने जीवन में बनाए रखें, इस प्रकार की आशीषें मैं उन्हें दूंगा. And the blessings to remain with them in this world and in the world to come, even after their death. और let me sacrifice myself for my people to show my great love. और फिर मेरा वो प्यार या मेरी वो आशीषें वो केवल उन्हें इसी संसार के लिए नहीं होंगी, लेकिन आने वाले संसार के लिए भी होंगी. और उसी प्यार को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा, मैं अपना त्याग और बलिदान इनके लिए कर दूंगा ताकि वो आशीषें इनके साथ हमेशा बनी रहें. That's what Jesus did for us. और यही कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है. In Romans 3 and verse 23, रोमियों की पत्री 3 अध्याय और 23 वचन, the Bible says, बाइबल कहती है, All of us have sinned and have come short of the glory of God. कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए. There is no man in this world who is holy as God. इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के जितना पवित्र हो. There is no woman free of sin. कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो पाप से मुक्त हो. Every person born in this world is born in sin. हर एक वो व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है वो पाप के साथ पैदा हुआ है. There is no exception. और इससे कोई अलग नहीं हो सकता. God was moved with compassion. और लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखकर तरस से भर गया. He said, My children are under the curse of sin. और उसने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो श्राप पाप की वजह से श्राप के अधीन में हैं. But I have to bless them. लेकिन मुझे तो उन्हें आशीष देना है. Sin cannot bless them. क्योंकि पाप उन्हें आशीष नहीं दे सकता. Sin keeps them in curse. क्योंकि पाप जो है वो उन्हें श्रापों में रखता है. But I want my children. I want the ones whom I created in the world to be blessed. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे जिन्हें मैंने इस संसार में बनाया है, निर्माण किया है, मैं चाहता हूं कि वे इसी संसार में हमेशा अपनी आशीषों में बने रहे. And he saw that no man could bless another man. और फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दूसरे किसी मनुष्य को आशीष दे सके. No human being is perfect to bless another person. कोई भी व्यक्ति इतना सिद्ध नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को आशीष दे सके. Everybody is born in sin. क्योंकि हर एक जो जन्मा है वो पापों में जन्मा है. That's why. और इसीलिए Out of great love, God said, Let me go as a human being, perfect in every way. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में जाऊंगा. मैं वो हूं जो हर प्रकार से सिद्ध और पवित्र हूं. And in 1 Timothy 3 and verse 16, पहला तिमोथियस 3 16 वचन में, The Bible says God took the form of a human being. बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया. He came in the name of Jesus. और वो यीशु के नाम में वो यहां इस दुनिया में आया. He is God in flesh. वो परमेश्वर जो मनुष्य रूप में शरीर धारण करके आया. And he said, I have to cleanse the people of the world from their sins. और उसने कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं संसार के लोगों को उनके पापों से शुद्ध करूं. Only when their sins go, they can receive
my blessings. क्योंकि जब उनके पाप उनसे दूर हो जाएंगे तभी वो मेरी आशीषों को पा सकेंगे. And the blessings can be permanently upon them. और फिर वो आशीषें उनकी जिंदगी पर हमेशा हमेशा बनी रहेंगी. The Bible says in Hebrews 9:22. बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री 9:22 में. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है. Blood has to be shed for the remission of sins. पापों के छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना बहुत जरूरी है. But which man's blood to shed? Every man's blood is unholy. लेकिन सवाल यह था कि किस मनुष्य के लहू को बहाया जाए, क्योंकि हर एक मनुष्य का लहू जो था वो अशुद्ध था पाप की वजह से. The blood of the animals cannot cleanse a man's sin. और जानवरों का लहू जो है वो मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा नहीं दे सकता. So Jesus, who is God in flesh, said, "My blood is the only holy blood. Let it be shed for the forgiveness of sins of all humanity." और तब यीशु मसीह जो परमेश्वर था उसने कहा कि मैं मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में जाऊंगा और अपना लहू मैं हर एक मानव जाति के लिए बहाऊंगा ताकि वे अपने पापों से छुटकारा पा सकें. Jesus was in this world, जब यीशु मसीह संसार में था, nobody could find any sin in Jesus. तो यीशु मसीह में किसी ने भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया. As he offered himself to die, और जैसे उसने स्वयं को मरने के लिए दे दिया, Even the Roman governor said, "I see no fault in this man, Jesus." तो रोमी जो गवर्नर था उसने भी देखकर कहा कि मैं इस मनुष्य यीशु में कोई दोष नहीं पाता. John 19:4 says so. यूहन्ना 19:4 में ऐसा लिखा हुआ है. Jesus went to the cross. लेकिन यीशु मसीह क्रूस तक गए. Holy. वो पवित्र थे. Perfect. सिद्ध थे. And shed his blood on the cross for every one of us. और उन्होंने अपना लहू उस क्रूस पर से बहाया हम में से हर एक के लिए. The holy blood of God in flesh. पवित्र लहू जो परमेश्वर का था शरीर के द्वारा बहा. The blood of Jesus was shed on the cross. यीशु का लहू उस क्रूस से बहाया गया. And 1 John 1:7 says, और पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, The blood of Jesus cleanses us from all sins. कि यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है. Galatians 2:20 says, गलतियों 2:20 कहता है, Jesus loved us and gave himself for us on the cross. यीशु ने हमसे प्यार किया और स्वयं को हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिया. And today, और आज, When we say, Lord, thank you for your love, जब हम ये कहेंगे कि प्रभु धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, thank you for your love, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, with which you have shed your blood for me on the cross, जिसके द्वारा तूने मेरे लिए अपना लहू क्रूस से बहाया, your holy blood, तेरा पवित्र लहू, the blood that cleanses me from all sins, ऐसा लहू जो मुझे मेरे सारे पापों से शुद्ध करता है, as you say, wash me with your blood. जैसा आप कहेंगे कि प्रभु आज मेरे मुझे अपने लहू से धो दे, He will come to you right now, और वो इसी समय आपके पास आएगा, wash you with his blood, और अपने लहू से आपको धोएगा, wash you with his blood, अपने लहू से वो धोएगा, right now, इसी समय, and cleanse you from all sins, और सारे पापों से वो आपको शुद्ध करेगा, all the obstacles for your blessings will go, और फिर आपके आशीषों के आने के रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, and he will purchase your life with his blood to be made as a child of God. और वो आपके जिंदगी को अपने लहू से खरीद लेगा ताकि आप परमेश्वर की संतान बन सके. Now you will become the child of God. आप अभी परमेश्वर की संतान बन सकते हैं. Through the love Jesus has for you. उस प्रेम के द्वारा जो प्रेम यीशु मसीह आपसे करता है. By his washing of his blood. अपने लहू से धोने के द्वारा. By the washing of his blood. अपने लहू से धोने के द्वारा. And John 1:12 says. और यूहन्ना 1:12 कहता है. Now you'll have the power to become the child of God. कि अब तुम्हारे पास परमेश्वर के संतान बनने की सामर्थ होगी. And you will be free from every sin. और फिर तुम सारे पापों से आजाद हो जाओगे. Every blessing that he has for you as his child will come upon you. और फिर हर एक वो आशीषें जो उसने आपके लिए रखी है क्योंकि आप उसकी संतान हैं, तो वो सारी आशीषें आप तक आ जाएंगी. That's why Jesus said, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, In Matthew 18 and verse 3, मत्ती 18:3 में, Unless you become like little children and come running to me, my child, my children, you cannot enter into the kingdom of God. यीशु मसीह ने कहा कि जब तक
तुम एक बच्चे के समान दौड़ते हुए मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आइए आज की रात हम एक छोटे बच्चों के समान यीशु मसीह के पास दौड़े चले आएं और तब वो आपको अपनी बाहों में लेगा, वो आपको गले लगाएगा, Wash all your sins away with his blood. और अपने लहू से आपके सारे पापों को धो देगा, And make you his darling child. और फिर आपको अपना प्रिय बच्चा बेटा बना लेगा, Every curse will go away. और तब आपके जीवन के हर श्राप निकल जाएंगे, Permanent blessings from the Lord will come upon और प्रभु की ओर से हमेशा बनी रहने वाली आशीषें आपके पास आएंगी। The Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। The Lord keep you blessed. और परमेश्वर आपको हमेशा आशीषों में बनाए रखे। Keep your soul blessed. और आपके प्राणों को आशीषित करे। This grace is coming upon you. इस प्रकार का अनुग्रह आप पर आ रहा है। I'm going to present you a testimony and then I'm going to pray along with you. और अब इस समय मैं आपको एक गवाही सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। रत्नाकर एंड अरुणा, भाई रत्नाकर और अरुणा, लेट्स लिसन टू व्हाट गॉड डिड फॉर देम। आइए सुने परमेश्वर ने इनके लिए क्या किया। मैं रत्नाकर तड़खंडे सावनेर जिला नागपुर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी अरुणा और मेरा नाम अरुणा तड़खंडे है। 4 साल से मैं तकलीफ में बहुत थी, बहुत पीड़ा में थी, लेकिन कुछ गलत दवाई खाने से वजह से मेरे गले में ऐसी त्रास, बहुत सा त्रास आता था, बोल नहीं पाती थी और खाना भी नहीं खा सकती थी और बच्चों के साथ भी अच्छी बात नहीं कर सकती थी। इसीलिए तब से 6:30 बजे मैं टीवी सुबह लगाती और हर एक कार्यक्रम सुबह का मैं देखती। तब भी पल दिनाकरन भैया ने मेरा नाम लिया और तब से मेरा गले का नाम लिया और पुकारा ताकि अरुणा तेरे गले की जो भी तकलीफ है वो प्रभु यीशु मसीह ठीक कर रहा है, तुझे छू रहा है। उसी तरह से वो तकलीफ मेरे गले से, मेरे शरीर की हर एक परेशानी ठीक हो चुकी है और मैं अच्छी हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मैं खेतीबाड़ी का काम भी करती हूँ, मैं और 2 बच्चों को संभाल भी सकती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और भाई दिनाकरन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे दिल से और मन से। Shall we give the Lord a big hand clap? आइए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Let's see how God called her name on television. आइए देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने टेलीविजन के माध्यम से इनके नाम को पुकारा। अरुणा, God is healing your throat. परमेश्वर आपके गले को ठीक कर रहा है। Speak well and be well in Jesus name. अच्छे से बोलिए और यीशु के नाम में अच्छी हो जाइए। Be healed and delivered. Exactly, God spoke about the throat and called her name. And healed her. और परमेश्वर ने बिल्कुल जो है इनके नाम को पुकारा, इनके गले की जो समस्या थी उसे बताया और चंगाई दी। And strengthened her. और इन्हें अपनी सामर्थ्य से भरा। To work even in the farm. और इतनी ताकत दी कि वो अपने खेत में काम करे। Isn't this a wonderful miracle? Shall we give the Lord a big hand clap? क्या ये अद्भुत चमत्कार नहीं है? तो आइए जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु के धन्यवाद दें। More than 25 years of drinking. 25 साल से ज्यादा हो गए इनको शराब की आदत थी। And financial problem. और इन पर कर्जा था, आर्थिक समस्या थी। Fights and quarrel in the family. परिवार में भी लड़ाई झगड़ा हमेशा होता था। But when they came to the Nagpur Jesus Calls meeting. लेकिन जब वो हमारे नागपुर के यीशु बुलाता है कि सभा में आए, 2 साल पहले Jesus delivered him of alcohol. प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें शराब की आदत से छुटकारा दिलाया। And when he went back, और जब ये वापस गए, he was reading my wife's book, he carried me. और ये जो है इन्होंने मेरी पत्नी की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ा कि वो मुझे उठाए लिए चलता है। And he would say, Lord, you carried Sister Evangeline, carry me also. और तब इस भाई ने कहा कि आपने अगर बहन इवेंजली को उनकी जिंदगी में ऐसे उठाए, आप ले चले, मुझे भी ले चलो। And God carried him over all the temptations and gave him great victory. और परमेश्वर इन्हें उठाए चला सारे जो है नशे की आदतों से, इनको जो है विजय। Today his debts are gone. आज इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। He has a motorbike. इनके पास मोटरसाइकिल है। Blessed. आशीष पाए हुए हैं। Cultivation.
और इनके खेत में आशीष है। They are blessing other people. और अब ये औरों को आशीष दे रहे हैं। That is the love of Jesus Christ. ऐसा है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। He will bless you. वो आपको आशीष देगा। Keep you blessed. और आपको आशीषों में बनाए रखेगा। And he will multiply the blessing. और फिर उन आशीषों को बहुगुणित करेगा। If God can do that for Ratnakar and Aruna and their children, will not He do it for you? और अगर परमेश्वर भाई रत्नाकर उनकी पत्नी अरुणा को उनके बच्चों के साथ कर सकता है तो क्या ऐसा आपके साथ नहीं करेगा? आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की ओर देखें। We are in the presence of the living God. हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Whatever you have lost, जो कुछ आपने खो दिया है, now the Lord will bring it to you. अब परमेश्वर उसे आपके पास ला रहा है। Jesus has sacrificed everything for you. यीशु मसीह ने सब कुछ आपके लिए बलिदान कर दिया। He has sacrificed his life. उसने अपना जीवन आपके लिए बलिदान किया। Shed his blood. और आपको शुद्ध करने के लिए अपने लहू को बहाया। Sacrificed all his glory and became so poor. अपनी महिमा को उसने त्याग दिया और बहुत ही गरीब हो गया। He has loved you. उसने आपसे प्यार किया। Now he will show his love. और अब वो अपना प्रेम आपको दिखाएगा। Because of his sacrifice. उसके बलिदान की वजह से। You will have all the blessings. आपके पास सारी आशीषें होंगी। Somebody called Ratna. और किसी का नाम रत्ना। God's hand is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है इस समय। Healing your wounds. और आपके जो घाव हैं उनको चंगाई दे रहा है। Healing your wounds. वो आपके घावों में चंगाई दे रहा है। He healed in Jesus name. चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Every evil power is leaving. हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां निकल रही हैं। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। There are several of you with pain in your body. आप में से कई लोग हैं जिनके शरीर में इस समय दर्द है। Esther, Jesus heals you. Esther, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। Every pain will go. हर दर्द चला जाएगा। Every dizziness and giddiness will leave. और हर एक कमजोरी और चक्कर आने की जो बीमारी है वो छोड़ देगी आपको। Be healed in Jesus name. चंगी हो जाए यीशु के नाम में। राजशेखर, राजशेखर, you sing so beautifully. आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। But your bones are dried up right now. लेकिन इस समय आपकी हड्डियां सूख गई हैं। You feel so weak. और आप अपने शरीर में बहुत ही दुर्बलता, कमजोरी को महसूस करते हो। God's healing power is coming back to revive you. और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ फिर से आपको ताजगी से भरने के लिए आ रही है। Come and testify, Rajasekhar. राजशेखर आकर आप गवाही दें। All that you have lost, the Lord is giving it back to you. जो कुछ आपने खो दिया है, गवा दिया है, प्रभु आपको वापस लौटा रहा है। अमृतवाणी, अमृतवाणी, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। Your liver is being healed by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके कलेजे में चंगाई आ रही है। There's somebody suffering with gangrene. और ऐसा व्यक्ति है जिसको गैंग्रीन की बीमारी है। Your organs will not be cut off. और उनके शरीर का कोई अंग काटा नहीं जाएगा। Jesus heals you. यीशु आपको चंगाई देता है। Moses. Moses. Jesus heals you. यीशु आपको चंगाई देता है। Rise up and walk in Jesus name. उठें और चलना शुरू करें यीशु के नाम में। I say this under the power of the Holy Spirit. Rise up and walk now. मैं ये कहता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के अधीनता में इस समय उठें और चलना शुरू करें। Be healed. चंगे हो जाएं। There is somebody who is suffering. You are unable to eat. और आप में से एक ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है, दुख उठा रहा है, आपको खाना खाने नहीं हो रहा। Your organs are not functioning. और आपके शरीर के अंगों ने काम करना Jesus बंद किया है। Jesus heals you right now. यीशु मसीह इसी समय आपको चंगाई देते हैं। राधिका, राधिका, Jesus touched you right now. इसी समय यीशु ने आपको छुआ है। Come to the platform. मंच के पास आए। Your family life shall be blessed from now on. और अब से आगे को आपका पारिवारिक जीवन आशीषों से भरा होगा। As you have surrendered your life totally into the hands of Jesus. जैसे आपने अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। The power of God is coming upon everybody. अब परमेश्वर की सामर्थ हर एक व्यक्ति पर आ रही है। Shall we all stand in the presence of God? आइए हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। You have had problems from your neighbor.
और आपके पड़ोसी की वजह से आपको समस्या है, But those demon powers are leaving right now. लेकिन वो दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य शक्तियां आपको छोड़कर जा रही हैं. All the voices of evil that you have been hearing are leaving you right now. और वो सारी आवाजें जो बुरी आप सुनती थी वो इस समय आपको छोड़कर जा रही हैं. Jesus delivers you right now. यीशु मसीह इसी समय आपको छुटकारा दे रहे हैं. The hand of God is coming upon everybody. परमेश्वर का हाथ हर एक पर आ रहा है. Ruth. Ruth, you're really repenting, Ruth. Ruth, आप सच में पश्चाताप कर रही हो. Hand of God is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है. He's building a beautiful future for you. आपके लिए वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा है. Now the healing power of Jesus Christ is here. और अब प्रभु यीशु मसीह के चंगाई की सामर्थ्य यहाँ पर है. Put your hands upon your chest. अपना हाथ अपनी छाती पर रखें. Or put your hands upon the portion where you have the sickness. या फिर आपके शरीर में जहाँ बीमारी है अपना हाथ उस बीमारी के स्थान पर रखें. Now you will experience the healing touch of Jesus. अभी आप महसूस करेंगे यीशु मसीह के चंगाई के स्पर्श को. If God has called you, push through the crowd and come to the platform. यदि परमेश्वर ने आपके नाम को पुकारा है तो भीड़ में से जगह बनाते हुए मंच की ओर आगे आ जाएं. Come as a family. पूरे परिवार के साथ में आगे आएं. Hand of God is working. और परमेश्वर का हाथ अभी भी काम कर रहा है. God loves everybody. परमेश्वर हर एक से प्यार करता है. Whether he called your name or not, he loves you. चाहे उसने आपके नाम को पुकारा है या नहीं पुकारा फिर भी वो आपसे प्यार करता है. यीशु मसीह कभी किसी का पक्षपात नहीं करता. Just open your mouth and cry. अपना मुंह खोलें और उसे पुकारें. Say Jesus. और कहें यीशु. Heal me. मुझे चंगाई दे. Heal me. मुझे चंगाई दे. Heal my pain. मेरे दर्द से मुझे चंगाई दे. Heal my indigestion. और जो अपचन होता है उससे मुझे चंगाई दे. Heal my ulcer. मेरे शरीर के अंगों में जो घाव है उसको चंगाई दे. Ask Jesus now. और जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु से इसी समय मांगे. Now. इसी समय मांगे. Now he will heal you. इस समय वो आपको चंगाई देगा. Jesus Christ has been wounded on the cross for every one of us to be healed. और यीशु मसीह उस क्रूस पर घायल किया गया ताकि हम सभी उसके घाव से चंगाई पा सकें. Open your mouth now. और इसी समय अपना मुंह खोलें. Open your heart now. इसी समय अपना हृदय खोलें. Cry out to him right now. इसी समय उसे पुकारें. Tell him Lord. और कहें हे प्रभु. Heal me now. इसी समय मुझे चंगाई दे. Heal me now. मुझे चंगाई दे. Heal me now. मुझे चंगाई दे. Heal me now. मुझे चंगाई दे. Rathod. God touched your throat right now. परमेश्वर ने इसी समय आपके गले को स्पर्श किया है. In Jesus name. चंगे हो जाएं यीशु के नाम में. Several young people. और कई ऐसे युवा हैं. You are crying out to God. आप परमेश्वर को पुकारते हैं. God hears your prayer. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है. All the white patches are being healed. वो जो सफेद जो दाग हैं आपके शरीर पर वो उससे आप चंगाई पा रहे हैं. Several are suffering with skin disease. और कई लोग ऐसे हैं जो चमड़ी की बीमारी से ग्रसित हैं. Jesus heals you right now. यीशु मसीह इसी समय आपको चंगाई देता है. Be healed. चंगे हो जाएं. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Lord Jesus. प्रभु यीशु. Lay your nail-pierced hands upon your precious children, Lord. अपने कीले से छिदे हुए हाथों को अपने इन बहुमूल्य बच्चों पर रखे प्रभु. And heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दे प्रभु. Heal master. ओ स्वामी इन्हें चंगाई दे. Let every sickness come out of their body. हर बीमारी इनके शरीर से बाहर निकल जाए. Jesus our Lord. यीशु हमारा प्रभु है. Heal. चंगाई दे. Heal. चंगाई दे. Recreate every eye. हर एक आंखों को तू फिर से बना दे, निर्माण कर दे. इनकी आंखें इसी समय देखने लगे. रिक्रिएट एवरी ईयर. हर एक कानों को तू नया बना दे. लेट देयर इयर्स ओपन राइट नाउ. इसी समय इनके बंद कान खुल जाएं. रिक्रिएट एवरी ऑर्गन. इनके शरीर के हर एक अंग को नया निर्माण कर. पेन्स गो. दर्द पीड़ा निकल जाए. लेट एवरी ऑर्गन इन देयर बॉडी बिगिन टू फंक्शन राइट नाउ इन जीसस नेम. इसी समय इनके शरीर का हर एक अंग सही सही काम करना शुरू कर दे यीशु के नाम. एवरी ऑर्गन बी हील राइट नाउ इन जीसस नेम. हर एक शरीर का अंग चंगाई को पाले इसी समय यीशु के नाम में. न्यू ऑर्गन. प्रभु इन्हें शरीर का नया अंग दे. न्यू हार्ट.
नया हृदय दें, न्यू वॉल्व्स और नए वाल्व्स दें, न्यू नर्व्स और नई नसें दें, न्यू सेल्स और नई कोशिकाएं दें, न्यू ऑर्गन्स नए अंग दे दें, लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम और ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, न्यू स्किन नई चमड़ी आ जाए, दैट एवरी डिजीज लीव राइट नाउ इन जीसस नेम, हर बीमारी ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में, बी हील्ड इन जीसस नेम, चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, एवरी डिफॉर्मिटी बी हील्ड, हर एक दुर्बलता से ये चंगे हो जाएं, एवरी इनफर्मिटी बी हील्ड, हर एक कमजोरी से ये चंगे हो जाएं, Every demonic spirit bringing sickness into their bodies be healed. हर एक दुष्टात्मा की वो शक्तियां जो इनके शरीर में बीमारी लाती हैं, ये उस बीमारी से चंगे हो जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. The demonic spirits leave them right now. दुष्टात्मा की शक्तियां इनके जीवन को छोड़कर निकल जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Everybody open your mouth, open your heart and say thank you Jesus for healing me. आप में से हर एक व्यक्ति अपना हृदय खोले, अपना मुंह खोले और कहे धन्यवाद यीशु मुझे चंगाई देने के लिए. Come on with a loud voice, believe and praise the Lord for your healing now. और इसी समय जोर से आवाज करें और विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें. Just say thank you Jesus for healing me. और कहें कि यीशु तेरा धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए. Jesus is being magnified to your body. और यीशु मसीह आपके शरीरों में बढ़ता जाएगा. Be healed. चंगे हो जाओ. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. थैंक यू फॉर हीलिंग द डायबिटीज. ओ डायबिटीज की बीमारी से ने चंगाई देने के लिए धन्यवाद. ब्लड प्रेशर से चंगाई देने के लिए और हर एक कोई भी बीमारी दर्द से. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. एवरीवनस बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट. यहां आए हर एक व्यक्ति का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. नाउ होली स्पिरिट डिलीवर देम नाउ. अब पवित्र आत्मा इसी समय इन्हें छुटकारा दे. एवरी सिन एवरी सिकनेस लेट इट कम आउट. हर एक पाप हर एक बीमारी इनके जीवन से बाहर आ जाए. इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु मसीह के नाम में. Are living in their bodies, Lord. Oh, प्रभु आप इनके शरीर में रहें. Thank you for making it well. और इन्हें चंगाई देने के लिए धन्यवाद. Thank you for transforming everybody. और हर एक व्यक्ति को बदलने के लिए धन्यवाद. The blood disease be healed. खून से संबंधित सारी बीमारियों से चंगाई हो रहे हैं. Blood flow become normal. इनका खून का बहाव शरीर में नॉर्मल हो रहा है. Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु. You are releasing everyone tonight. आज की रात आप हर एक को छुटकारा दे रहे हैं. New organs are being formed. नए शरीर के अंग निर्माण हुए हैं. My friend, what you could not do before, do it right now. मेरे मित्रों, जो आप अपनी बीमारी की वजह से पहले नहीं कर पाते थे, इस समय करना शुरू करें. If you could not bend, bend and see. यदि आप पहले झुक नहीं पाते थे, अब आप झुकें और अपने आप को जांच कर देखें. Get up and walk in Jesus' name. यदि आप पहले चल नहीं पाते हैं, तो अब इस समय उठें और चलना शुरू करें यीशु के नाम में. If you could not see, test your eyes right now. और यदि आप देख नहीं पाते थे, इस समय अपनी आंखों को जांचें. Look at your skin. अपनी चमड़ी को जांच कर देखें. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद. But as you testify, those blessings will be retained in your body forever. लेकिन जैसे आप उन आशीषों को आकर गवाही देंगे, तो वो आशीषें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी. Those blessings will be retained in your life forever. और वो आशीषें आपके जीवन में हमेशा बनी रहेंगी. God is honoring you. परमेश्वर आपका आदर कर रहा है. God is honoring you. परमेश्वर आपका आदर कर रहा है. God is honoring you. परमेश्वर आपका आदर कर रहा है. Father. पिता, you have said you will bless us. आपने कहा कि आप हमें आशीष देंगे. And you will multiply us. और फिर आप हमें बहुगुणित करेंगे. Lord, multiply every blessing in their lives. प्रभु इनके जीवन में हर आशीषों को बहुगुणित कर दें. Whatever they have lost because of sin, let it come back into their lives with your blessing. ओ प्रभु, पाप की वजह से जो भी इन्होंने अपने जीवन में खो दिया, गवा दिया, प्रभु आपकी आशीषों से भरकर वो वापस इनके पास आ जाए. Build their life with your love and blessing, Lord. अपने प्रेम और आशीषों के द्वारा इनके जीवन को आप बनाएं. We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं. We give you all the glory. सारी महिमा आपको देते हैं.